चावल उसमें आएंगे, चपाती आएगी, दाल आएगी, आप लेकर आइए 80 वाली थाली लेकर आइए, ठीक है। 9:15 बज रहा है, 9:15 बजे तक दे दीजिए। देखो ये, देखो ये उतर रहा है, चेन पुलिंग कर दिया मथुरा में। देखो अब पता है कि आरपीओ खोला आएगा नहीं इतना दूर में। हाँ दोस्तों, ट्रेवल विथ मनीष के एक और जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, हम लोग सफर करने वाले हैं गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि मडगांव जंक्शन से चंडीगढ़ के बीच चलती है। टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 11:20 पे मडगांव जंक्शन से खुलती है और अपने को नेक्स्ट डे इवनिंग में 6:10 पे चंडीगढ़ पहुँचा देगी। ये है फिलहाल मडगांव जंक्शन का आउटसाइड व्यू, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड का। वैसे मडगांव जंक्शन जो है ना, इतना मतलब क्या बोलो, विशाल बना हुआ है बहुत ज़्यादा। इसकी अगर पार्किंग की बात करूँ तो पार्किंग में कम से कम अभी भी और हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी होगी, हज़ारों गाड़ियाँ बोल रहा, इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है ना। बाकी देख ही सकते हो, हर जगह आपको गाड़ियाँ नज़र आएगी। बहुत बड़ा सा विशाल स्टेशन है, बिकॉज क्या अभी खास करके सीजन का भी टाइम है, टूरिस्ट वगैरह जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, है ना। चलिए चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जो है गोवा संपर्क क्रांति डिपार्चर होगी। बाकी उसके बाद जर्नी को इन्जॉय करते वक्त यही कहूँगा, अगले 15-20 मिनट के हमारे साथ जुड़ जाइए और साथ ही साथ इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। भाई तो गोवा से लेकर के सफ़र आपको दिल्ली तक का दिखाने वाला हूँ। तो आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और लगी हुई अपनी गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस LHB रेक के साथ। और अभी मैंने आपको बताया था प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी, बट वो इन्फॉर्मेशन गलत था, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही लगाई गई, हो सकता है किसी टेक्निकल इशू कारण से यहाँ पे लगाई गई हो। तो आ चुका हूँ अपने कोच S1 में और सीट नंबर है अपना 24 साइड अपर। मोस्टली बुकिंग में मैंने साइड अपर ही डाल रखा है, साइड अपर सीट मेरे को मिलता है, खाली होता है तो अच्छा। मेन चीज़ है कि कोच की अगर साफ़ सफाई की बात करूँ, भाई साहब साफ़ सफाई एकदम बिल्कुल मस्त वाला है, बिंदास वाला, झकास वाला, कहीं से भी मतलब 1% की भी कोई भी शिकायत नहीं है कि कोच में साफ़ सफाई नहीं है, एकदम मस्त वाला साफ़ सफाई। चाहे ऊपर देखो, नीचे देखो, सीट देखो, हर तरीके से जो कोच अच्छा है। बाकी आपको वाशरूम का भी हाल आगे दिखाऊंगा, किस तरीके का वाशरूम इसका दिया गया है, कितना साफ है। तो बिल्कुल निर्धारित समय से हम लोग 11:20 पर डिपार्चर हो चुके हैं गोवा से। चेक कर लीजिए फ़ोन का ध्यान से, मैडम बोलती है फ़ोन रह गया क्या मेरा, है ना। और हम लोग बिल्कुल आगे की साइड में है, तो अभी अपकमिंग जो भी स्टेशन आएंगे वो सारे के सारे आपको अराइवल के टाइम पे ही मिल जाएगा, डिपार्चर के टाइम पे कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। चलिए फिलहाल डिपार्चर हो रहे हैं हम लोग मडगांव दर्शन के। इस साइड चलते हैं, बहुत गर्मी है, चला देना। ऐसे तो कोच की साफ़ सफाई को देख करके वाशरूम का दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको वाशरूम दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कोच तो फुल्ली चकाचक है, वाशरूम से भी एक बार आपको अवगत करा देता हूँ। फिलहाल हूँ मैं आउट साइड में वाशरूम के, ये देख सकते हो शीशा वीशा है, पानी का छीटा उठा तो भैया हर जगह पर चलता रहेगा, नो डाउट है। पानी का लग रहा है ये जाम हो रखा है, चलो कोई आएगा सफाई वाले उनको बोलेंगे। ये रहा वाशरूम स्लीपर कोच का, एक मिरर, स्मेल वगैरह नहीं मार रहा है, हल्का फल्का जो भी हो, पानी इधर तो आ रहा है, उधर का नल का जाम हो रखा है हल्के, और इधर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लीन है पूरा। ओवरऑल वाशरूम जो है काफ़ी अच्छा चकाचक है। सामने आ गई गोवा संपर्क क्रांति, तो फाइनली चचेरे मोसेरे भाई से मुलाकात हो गई अपनी करमली से पहले, है ना। ये भी लगभग 1.5 घंटे की डिले से चल रही है, बाकी हम लोग पहुंचने वाले हैं भी करमली थोड़ी देर में। गजब का नजारा।
दोस्तों 28 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुके हम लोग अपना फर्स्ट हॉल्ट करमली स्टेशन। स्टेशन कोड है यहाँ का KRMI और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 2 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है और 32 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है और 5 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 5 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर टर्मिनेट होती है। जैसा कि मैंने आपको मडगांव में ही बताया था, हम जो है बिल्कुल आगे की साइड में है, अपना कोच है S1, उसके बाद 2 कोचेस जो है जनरल का लगा हुआ है। तो जो भी स्टेशन का व्यू होगा वो आपको अराइवल के टाइम पे मिल जाएगा। चलिए, 2 मिनट का खेला हो चुका है ख़त्म, हॉर्न लग चुका है। और साथ ही साथ मैं अगर इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है एक फर्स्ट AC कम सेकेंड AC जिसमें दोनों होता है और 2 प्रॉपर सेकेंड AC, 6 थर्ड AC, 1 पेंटी कार, 6 स्लीपर, 4 जनरल। 4 जनरल जो है वो 2 आगे की साइड दिए गए हैं और 2 पीछे के साइड दिए गए हैं, तो दोनों साइड जो है आप लोग डिवाइड हो सकते हैं जनरल वाले। चलिए, फिलहाल हम लोग डिपार्चर हो रहे हैं करमली स्टेशन से। लगभग 20 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं थिवी में स्टेशन। स्टेशन कोड है यहाँ का THVM और यहाँ पे भी अपनी गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 56 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। जितना अपनी गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में मडगांव से भीड़ नहीं थी, उससे मुझे लग रहा 3 गुना 4 गुना ज़्यादा जो पैसेंजर थिवीम से चढ़े थे। बिकॉज क्या है कि आप गोवा अगर विजिट करना चाहते हो तो आप थिवीम भी मतलब डीबोर्ड होकर के आप जो गोवा एक्सप्लोर कर सकते हो। थिवीम से भी जो काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर वगैरह बोर्ड होते हैं और थिवीम से काफ़ी लोग गोवा घूमने के लिए जाते हैं। चलिए, 2 मिनट का हॉल्ट है, मिलते हैं डिपार्चर पर। तो दोस्तों, निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं रत्नागिरी। स्टेशन कोड है यहाँ का RN और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन, 98 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है। 2 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 2 ट्रेन जो यहाँ से प्रॉपर टर्मिनेट होती है। और बाकी रत्नागिरी से पहले तक तो 1-2 स्टेशन सब जो है कवर तो किया है, बाकी उतनी भीड़ नहीं। बाकी यहाँ से आने के बाद भी काफ़ी अच्छे खासे पैसेंजर जो है ऑन बोर्ड हुए हैं अपनी गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, है ना। और बाकी रत्नागिरी में अगर आप आते हो तो रत्नागिरी स्टेशन से पहले से ही कम से कम 8-10 वेंडर जो है बहुत सारी चीज़ें आपको बेचते हुए नज़र आ जाएंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा वड़ा पाव बेचने वाले आपको मिलेंगे, है ना। बाकी अच्छा भी लगा खाया वड़ा पाव, दिखाया नहीं आपको, बार बार टनल्स के अंदर जा रहे थे, अंधेरा हो रहा था। बाकी काफ़ी अच्छे जो है वड़ा पाव का टेस्ट। चलिए चलिए, मिलते हैं आपसे डिपार्चर पर। तो 5 मिनट हॉल के बाद हम लोग निकल गए हैं रत्नागिरी से, है ना। और वड़ा पाव तो खाए खाए, साथ ही साथ चाय भी लिया, बैठे बैठे क्या करें, नींद नींद आने लगता है थोड़ा बहुत कुछ हो जाए।
150 80 रुपए का 150 80 वाला 80 वाला कौन सा होता है 80 वाला और बता दो मुझे 80 वाला चाहिए आप पूछोगे तब ना आप पूछोगे तब तो 80 वाला स्पेशल आपको बता दिया था ये स्पेशल मैं पूछा मैं तो आपको सिंपली वेज थाली बोला मैंने वेज थाली मैंने बोला 80 वाला भी आ जाएगा 80 लंगड़ा भी क्या क्या है इसमें स्पेशल दाल तड़का है अच्छा स्पेशल दाल तड़का है दाल तड़का है उसमें प्लेन दाल आएगा ठीक है और ये छोले की सब्जी नहीं रहेगी उसमें ठीक है और चावल उसमें आएंगे चपाती आएगी दाल आएगी आप लेकर आइए 80 वाली थाली लेकर आइए ठीक है 9:45 बज रहा है 9:15 बजे तक दे दीजिएगा ठीक है आधा घंटा बहुत है है ना आधा घंटा में लेकर आ जाइए सीट नंबर ये वो तो लिखा ही है ठीक है लेकर के आ जाइए पैसा दे दूँ बात ठीक दोस्तों 514 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच गए हम लोग पनवेल स्टेशन स्टेशन कोड आएगा PNBL और यहां पर अपने ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है 110 ट्रेन यहां पर आके हॉल्ट करती है और 7 ट्रेन यहां से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 7 ट्रेन यहां से प्रॉपर टर्मिनेट होती है और पनवेल जंक्शन पर भी अच्छा खासा भीड़ देखने को अपने को मिला और अपनी ट्रेन जो है लगभग 1.25 घंटे के आसपास डिले हो चुकी है ना चलिए बाकी खाने पीने सब का क्या इधर आपको ज़्यादा वड़ा पाव मिलेगा और बाकी हम लोग जब पूरा का पूरा अंधेरे की साइड में बिल्कुल आगे की साइड में इसलिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है बाकी बीच में अगर होते तो बहुत देखने को अपने को जरूर मिलता चलिए मिलता हूँ डिपार्चर पे ओके गाइस तो 5 मिनट होल्ड के बाद हम लोग डिपार्चर हो चुके हैं पनवेल से सुनने वाला भी खराब रहता है इसके साथ का दही दे दीजिएगा दही दे दीजिएगा दही क्यों मुझे वहाँ से मिलता वो दे आप बोल दीजिएगा कि दही मांग रहे कस्टमर ठीक है हाँ ठीक है दही दे जाइएगा दही दे जाइएगा ये नहीं का इग्नोर मान मतलब भूल मत जाइए बता दिया आपको ये कर दीजिएगा निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे 20 मिनट की देरी से हम लोग पहुँच चुके हैं वसई रोड स्टेशन है ना स्टेशन कोड है VSRG आई थिंक कन्फ्यूज होना थोड़ा सा ध्यान रखना बाकी स्क्रीन पे टाइप कर दूंगा चलिए बाकी 5 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे दिया गया है नंबर प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 7 प्लेटफॉर्म के स्टेशन है 124 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट होती है 7 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 7 ट्रेन जो यहाँ से प्रॉपर टर्मिनेट होती है और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट का ही हॉल्ट दिया गया ओके गाइस तो फाइनली डिपार्चर हो चुके हैं हम लोग वसई रोड स्टेशन से है ना ऑलरेडी हम लोग अंधेरे में हैं तो इसलिए आपको अंधेरे का ही सीन दिखाएंगे बाकी यहाँ से कुछ आपको दिखा नहीं सकते डिपार्चर के टाइम पे है ना ओके गाइस तो यह आ चुका है अपना पैंट्री वाला खाना अपना 80 रुपए का है ना और प्लस ये 2 पराठे हैं सादा चावल है दाल है और सब्जी है ये कौन है भाई ओके गए तो फाइनली अपना जितना डिनर कंप्लीट करना था उतना मैंने कर लिया है ना बाकी अगर आप क्लोज से देखो तो यहाँ पे कुछ पराठे वराठे बचे हैं चावल ही बचे हुए है ना इतना कुछ अभी बचा हुआ है कंप्लीट ख़त्म नहीं हो पाया इसका रीज़न यही है कि भाई साहब वो वाला मज़ेदार वाला खाना नहीं था जो कि अगर टेंशन में खाते जहाँ पे देखिए तारीफ करने का होता है वहाँ तारीफ करते हैं जहाँ पे कमियाँ हैं वहाँ पे कमियाँ हैं 80 वाली थाली में भी भाई साहब वही दाल दिया था बाद में मैंने चेक किया था बाकी ठीक लगा मुझे देख करके लेकिन जब खा करके भाई साहब जब पूरा वो किया वो वाला मज़ा नहीं आया कि मतलब भाई साहब वो खाना अच्छा है और साथ ही साथ हमारे मतलब इसी केबिन के अंदर जो है 4-5 और पैसेंजर है जो कि फिलहाल सो रहे हैं इन्होंने 150 रुपये थाली का पे किया है जो थाली आपको स्टार्टिंग में 150 का उन्होंने बताया था वही थाली इन लोगों ने खाया है इन लोगों को वैसे इन लोगों ने थाली को फेंका हुआ है ना पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं किया कैसा लगा था खाना कैसा था खाना फेंके भी थे फेंकना पड़ा था ना वो मतलब वो मज़ा नहीं आया ना अब देख लो थोड़ा कैमरा पर हो सकता है हिचक रहा अलग बात है
बाकी खाना मैंने उनको रखते हुए भी देखा था। तो चलिए बाकी देखते हैं, और जो भी बचा खोचा कहानी है वो कल मुलाकात करके इनसे बातचीत होती रहेगी, है ना। तो चलिए जी, अब जा रहा हूँ डायरेक्टली सोने के लिए, और मुलाकात करूँगा डायरेक्टली आपसे कल मॉर्निंग में। आई थिंक कोटा में तो मुलाकात हो जाएगी, बिकॉज क्या कोटा सुबह 8 बजे का टाइम है ना। तो फिलहाल जाके सोता हूँ, बाकी गए तो गुड मॉर्निंग। तो लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुके हम लोग कोटा जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का KOPA, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करो तो 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 163 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है ना, और 22 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 22 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। ट्रेन जो अपनी वही लगभग 1 घंटे 10 मिनट के आसपास जो है डिले चल रही है। बाकी कोटा जंक्शन पर जैसा एंट्री करोगे वेंडरों की लाइन लग जाएगी आपके कोच के सामने, और अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आपको यहाँ पे बेचते हुए नज़र आ जाएंगे, है ना। चलिए फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत खाओ लिया जाए, बाकी 10 मिनट का हॉल्ट है, मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। ओके गाइस, तो 10 मिनट हॉल्ट के बाद निकल चुके हैं हम लोग कोटा जंक्शन से, या फिर बोल दो आप शिक्षा नगरी से, है ना। इंस्टीट्यूट का वैसा यहाँ पे हब है कोटा में। चलिए फिलहाल डिपार्चर हो रहा है। चेन पुलिंग करके ये देखो ये उतर रहा है, चेन पुलिंग कर दिया मथुरा में। देखो अब पता है कि RPO खोला आएगा नहीं इतना दूर में। देखो भाग रहा है, एक मिनट देखो, यही सारे के सारे ने चेन पुलिंग किया। यही होता है वैसे जनरल क्लास वाले का। आ जाए RPO तो मज़ा ही आ जाएगा। क्रॉस कर रहे हैं हम लोग मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन पे ऐसे हॉल्ट नहीं है, बाकी ऐसे अगर ट्रेन रुक जाए कह नहीं सकते। फाइनली गए तो 1910 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुके हम लोग अपने फाइनल स्टेशन हजरत निजामुद्दीन, है ना। स्टेशन कोड यहाँ का NZM, और बस अपना सफ़र तो यहीं तक था। बाकी ये ट्रेन 5 मिनट होल के बाद निकल जाएगी चंडीगढ़ के लिए, और इस साइड जो अपनी खड़ी हुई है ICF के साथ में गोवा एक्सप्रेस, जो कि हजरत निजामुद्दीन से गोवा के बीच चलती है वास्को डी गामा तक, है ना, गोवा एक्सप्रेस। चलिए सफ़र अपना यहीं पर समाप्त होता है, और मिलता हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। गोवा कह रहा हूँ हजरत निजामुद्दीन साहब सभी को बाय टाटा। ट्रेन है बहुत ही मस्त वाली ट्रेन है वैसे, अगर ये उस साइड में अगर मडगांव साइड में अगर लेट नहीं करती क्रॉसिंग के चक्कर में, बिल्कुल जो ये टाइम राइट टाइम पर पहुँचाती है अपने को, है ना। चलिए 1 सेकेंड, बाय टाटा।